अमृतसर लुधियाना जलंधर पटियाला या SAS नगर की कारण रहे ने इन जिलों के कोरोना के केसिस बढ़न के डैथ रेट पंजाब का की है और नैशनल लैवल पर की है। देखो पंजाब का जो डैथ रेट भावें साडा मैं इस गल कोई और साडा ज़्यादा हैगा तुम लगता कि पंजाब दे विच होम क्वारंटीन सिस्टम होना चाहिए। सो चार नंबर असी अपनी जी ऐप हैगी सू बंदा उस हेल्पलाइन पर फोन करेगा तो डॉक्टर उनके घर भी जाएगा तो डॉक्टर उन्होंने फोन पर सलाह भी देगा। कदों तो शुरू हो रहे MLAs के कोरोना टेस्टिंग और किन्ने लोग करवा रहे हैं? ये गल जरूरी हैगी है और बकायदा कंपलसरी है जो नहीं कराएगा वो अंदर दाखिल नहीं होएगा। चांसिस है कि पंजाब का बॉर्डर सील कर सको कि असी बॉर्डर सील जे हूँ जिस तरीके अगला दिन से पेशेंट कोई हुई है तो केस बढ़ने हैं तो सानू करने पै सकते हैं। नमस्कार, दैनिक सवेरा TV देख रहे साढ़े सारे दर्शकों का स्वागत है जी। मैं हाँ पमिल पाटिया। पंजाब दे विच करोना पॉजिटिव मरीजों की गिनती लगातार बढ़ रही है। 39,000 तो वध पॉजिटिव केस हुण तक सामने आ चुके हैं और 991 लोगों की करोना के नाल मौत हो चुकी है। सूबे दे विच वीकेंड करफ्यू नाफिस है पर की एक करफ्यू करोना के इस वधदे आंकड़े नूं काबू कर पाएगा या नहीं, इस बारे गलबात करांगे। और पंजाब विधानसभा का सैशन शुरू होने वाला है, किहड़े MLAs दे करोना टेस्ट होणगे और पंजाब की सरहद दे विच आउण वाले दूसरे सूबे के लोगों के करोना टेस्ट क्यों नहीं किए जा रहे, पंजाब के बॉर्डर सील हो सकते हैं या नहीं, इस बारे गलबात करांगे। साढ़े नाल खास मेहमान जुड़ रहे हैं, पंजाब के सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू। सिद्धू साहब बहुत बहुत स्वागत है दैनिक सवेरा से। सिद्धू साहब तुहाडे तों मैं पहला सवाल ये लैना चाहुंदा कि पंजाब दे विच वीकेंड लॉकडाउन ला दिता गया है, कित्थे चूक हुई है कि करोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं? क्योंकि पिछले दिनों दौरान मुख्यमंत्री ने आख्या सीगा कि बहुत हो चुके है, लोग करोना नू सीरियसली नहीं लै रहे, क्या सीधे तौर पर सिर्फ लोग जिम्मेवार ने करोना वधन दे? देखो पहली गल तो जो तुसी कहा भी लोग सीरियसली नहीं लै रहे, ये गल से कोई दो राय नहीं। बहुत सारी जगह जो साढ़े जंग ब्लड हैगा वो बेपरवाह हो गए, कई जगह पर घूमते हैं और उन्होंने ये नहीं पता कि जो घर जाते हैं जो इनफेक्टेड होंगे ने उन्हों तो वो जंग करके बच जाते हैं, पर लेकिन उन्होंने जो पेरेंट्स ने जोड़े कि एज्ड होंगे ने उन्होंने करोना की काफ़ी महामारी जो असर होंगे है। दूजी गल सब तो बड़ी गल पंजाब की एक मैं चंगी प्राप्ति समझना कि बाकी स्टेटा के जो डाटा हैगा उन्हें पारदर्शिता नहीं दिखाया जाता। असी जे साड़ी स्टेट का कोई बंदा चंडीगढ़ च बीमार है, दिल्ली च बीमार है, जो उहदी उत्थे भी मौत हुई है तो असी उन्हें पंजाब दे विच काउंट कीता है। और असी जिहड़ी सब तो वड्डी गल है वी जो सच्चाई है लोगों सामने असी रखते हैं हमेशा पूरी पारदर्शिता दे नाल। साढ़े CM साहब के सीधे निर्देश ने भी कोई चीज़ ऐसी छुपाउणी चाहिए जिहड़ी सानूं कल नूं लोग कहें तुसीं चीज़ छुपाई है। बाकी स्टेटा तो मैं देखिया कई जगह पर अंकड़े कुछ होर ने, हकीकत कुछ होर हैगी है। और दूजी गल साडी देखो पहली गल तो जिस दिन एक कोविड स्टार्ट होया किसी नूं कुछ नहीं पता सी सूरे पूरे संसार दे विच भी एक किहो जी बीमारी है, इहदा की इलाज है, इहदे की सिमटम ने। और अज तक भी लोग हले इस भुलेखे विच ने कि भी उहनां नूं कोई वैक्सीन नहीं तैयार कर सके और इहनू जिहड़ा एक डैड वायरस हैगा जिहड़ा कि कदे ट्रेस ही नहीं हो सकिया भी इह किस तरह इहनू असीं जिहड़ा एक लाइव फ्ल्यू हुंदा है वो तुसीं डेंगू है स्वाइन फ्ल्यू है हर चीज़ की दवाई आपां वैक्सीन तैयार कर ली है और उहदा सानूं पता लग जांदा भी डेंगू है जां स्वाइन फ्ल्यू है। और जिहड़ी इह चीज़ हैगी आ इह पता नहीं किसे टेबल तों तुहाडे शरीर नाल कितें लग गई टच हो गया, कितें तुसीं कितें फंक्शन 'च गए कि तुहानूं कोई इदां दा उत्थे हथ लग गया उदों तुहानूं इह इक सूत-सात की बीमारी जिहनूं आपां कह दिंदे आ ये बहुत भयान एक खतरनाक बीमारी है। दूजी गल और उस वेले पंजाब कोई एडा वड्डा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है नहीं सी जो ये बीमारी आई है, ईवन हिंदुस्तान की बहुत सारे मुल्कों को नहीं सीगा, लेकिन अज साडे सूबे दे मुख्यमंत्री की सब तो वड्डी ये है कि भी असी जिन्ना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया देखो टेस्टिंग असी 20,000 पर डे कर ली है और असी आने वाले दिनों में 30,000 तक लेके जावांगे। एक दिन दे 30,000 बंदा टेस्ट हो जाना एक मैं कह सकता अपने आप बहुत वड्डे। आज दी टेस्टिंग कैपेसिटी की हैगी है पंजाब दे विच क्योंकि 30,000 तक दा दावा कुछ दिन पहला कीता गया सीगा। साडी 20,000 दी समर्था अज असी अज डेट दे विच असी 20,000 टेस्ट कर रहे हां
उस तो बाद जिहड़ियां 9 दे करीब RT-PCR मशीनां दा भी असीं नवां एक टेंडर कॉल कीता होया है, जिहड़ा कि कुछ दिनां च वो टेंडर हो जाएगा ते 2 हफ्तों के अंदर वो मशीनां भी आ जाणगियां साडा। उहदे नाल बहुत वड्डा रैपिड एंटीजन टेस्टिंग जिहड़ी हैगी आ वह वध जाएगी। तो प्लस असीं जिहड़ी सब तो वड्डी गल जिहड़ी हैगी आ कि थर्ड लैवल की जिहड़ी साडी हैगी आ समर्था, उहनूं बैड्डां की गिणती वधा के असी थर्ड लैवल में होर मजबूत करांगे ताकि जिहड़े लोग बिल्कुल थर्ड लैवल पर पहुँच जाते हैं उन्होंने असं समझते हैं वो काफ़ी खतरे में होंगे ने, तो जो असी उन्होंने बचाने समर्थ हो जाए तो असी अपना जो मौत का अंकड़ा भी घटा लाँगे तो अपनी जनता को इस गल तो सेव भी कर लाँगे। जे किसी एरिए एक बंदा पॉजिटिव पाया जाता है तो असी जो कंटेनमेंट जोन है तो या फिर माइक्रो कंटेनमेंट जो एरिया हैगा उसके जोन के असी एक जो बंदा पॉजिटिव पाया जाता है तो 10 बंदों को असी उत्थे टेस्ट करन दा भी अपना असी अपना नतीजा मिथिया कि वह 10 बंदे नाल दी नाल टेस्ट दे जिहड़े उस ट्रेस दे उहदे नाल कनेक्टेड होण, इह बड़ा वड्डा साडा फैसला है। पर ये 10 लोगों की जे कोई पॉजिटिव पाया जाता आले दुआले 10 लोगों की टेस्टिंग इमीजिएटली असी हाँ शुरू करती हैगी है और हो रही है ये। और दूजी गल सब तो वड्डी गल जिहड़ी कि असी देखो लॉकडाउन किस चीज़ का हल भी है नहीं, पर बिना लॉकडाउन तो लोग समझते भी है नहीं, जिहड़ा असी वीकेंड ते करफ्यू अपना कीता है भी करफ्यू लाउणा है उहदे बड़े वड्डे फायदे होणगे। इक तां जिहड़े साडे आम तौर ते पंजाब दे फंक्शन ने जिन्ने भी वो सारे वार इतवार नूं हुंदे ने, शनि जिहड़े संडे हुंदे ने, ते लोग उत्थे वड्डी गिणती 'च इकट्ठे हो जांदे ने भोगां ते जां ब्याह शादियां ते भावें असी उत्थे गिणती ते पाबंदी लाई हुई सी फिर भी लोग नहीं सी हटदे, लेकिन एक करफ्यू लगण दे नाल ये गल बड़ी सीमित हो जाएगी। वो बकायदा जोड़ा एक दफा 144 लाती ये जो धरने से बजा रहे थे लोग जोड़े कोई रैलियां करते सके कोई होर जथेबंदियां सगियां वह भी इस गल समझ जाएगियाँ कि भी साढ़े वास्ते खतरनाक है सिद्धू साहब, पाबंदी लाने के नाल भी असं रोक पावे। सिद्धू साहब मैं डैथ रेट में लैके तो एक सवाल करना चाहता दोबारा, डैथ रेट पंजाब का की है और नैशनल लैवल पर की है? देखो पंजाब का जो डैथ रेट भावें साडा मैं इस गल कोई और साडा ज़्यादा हैगा वो तो कारण है कि पंजाब का खाना पीना बड़ा इस वेले रिच हैगा और जिहड़ी कोमोर्बिडिटी जिहड़ी हैगी है वो साडे च बहुत ज़्यादा हैगी है। साडे शुगर के मरीज़ बहुत ने, साडे ब्लड प्रेशर के मरीज़ बहुत ने, साडे किडनी के मरीज़ बहुत ने, साडे कैंसर के मरीज़ बहुत ने और साडे यानी मैं कह सकता हर तरह की बीमारी जिहड़ी पंजाब दे विच काफ़ी कुछ साडे लोगों का रहन सहन का पूरे हिंदुस्तान में टोटली डिफरेंट एक तरीका है। तुसी कहंदे हो लाइफस्टाइल जिहड़ा लाइफ पंजाबियों का लाइफस्टाइल जिहड़ा हैगा वो डैथ रेट वधाउण दे विच मददगार हैगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता असी एक्सरसाइज नहीं करते, असी हाथी वर्क नहीं करते, कम नहीं करते, इस करके साडा ये इजाफा। ठीक है, एक होर चीज़ हैगी है जिस तरह गुआंढी सूबे है सिद्धू साहब पंजाब के, हिमाचल एक बेहतर एग्जाम्पल हैगी है। हिमाचल दे विच अजे भी जदों कोई बाहरी सूबे का व्यक्ति जाता या तो उसनू क्वारंटेन कर दिता जाता या बिना परमिशन तो एंटर नहीं होता जाता, तो लगता कि पंजाब दियां हदां दे उत्ते भी इस तरह की सख्ती की जरूरत हैगी है कि पंजाब दे विच जो कोई दूजे सूबे तो एंटर करे तो उसनू क्वारंटीन किया जाए क्योंकि इस तरह की कोई चैकिंग फिलहाल नहीं हो रही? नहीं बिल्कुल, तुहानू थोड़ा बड़ा वाजिब क्वेश्चन है, असी थोड़ा जा खुल ज़्यादा देती सी, असी कहते जो कारोबार प्रभावित ना हो, आम लोग प्रभावित ना हो। हिमाचल के सिर्फ 2 रस्ते है, 2-3 रस्ते है, लॉक कर दो हिमाचल पूरा लॉक हो जाता है। जम्मू कश्मीर का साढ़े को एक ही रस्ता है, उन्होंने लॉक कर दो लॉक हो जाता है। हरियाणा आला जो दिल्ली वाले पास हरियाणे को क्यों मार पैंदी है वो भी दिल्ली के नेड़े है, लेकिन साढ़े को जिनी भी जी ट्रैफिक है चाहे उन्होंने J&K जाना चाहे हिमाचल जाना जी दिल्ली वाले पास आँदी है वो वाया पंजाब आँदी है, जे राजस्थान वाली ट्रैफिक जे जाती है तो वह भी वाया पंजाब जाती हैगी है, तो साढ़े बहुत सारे बार्डर साढ़े नाल लगते हैं, ये भी कारण है। पर असी तो हम सख्ती कर रहे हैं, सख्ती साढ़े पुलिस ने चांसेस है कि पंजाब दा बॉर्डर सील कर सको, चांसेस है
देखो रात का करफ्यू लाने का मेन कारण ही है सात तो पाँच का भी जी आम ट्रैफिक पंजाब एंटर ना हो जिहड़ा बंदा होवे तां उहदी आइडेंटिटी जरूर होनी चाहीदी है। और दूजी गल है कि असी बॉर्डर सील भजे हुण जिस तरीके नाल अगला दिनां च साडे पेशेंट कोई होई है तां केस वधणे आ तां सानूं करने पै सकदे आ। पिछले दिनां दे विच इक जानकारी निकली सीगी कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने पंजाब हरियाणा दे कोलों सहयोग मंगिया सीगा कि तुसीं सानूं सहयोग दिओ, असी ट्राई सिटी दे विच लॉकडाउन करना चाहुंदे हो, और हरियाणा ने भी सपोर्ट नहीं कीता, पंजाब ने भी सपोर्ट नहीं किया, तो लगता कि थोड़ी जी चूक होगी इस मसले नू लैके। शायद तुहानू ना पता हो जो पंजाब ने लॉकडाउन किया उदों इन्हां ने किसे ने नहीं सी किया। तो असी तो इस गल दे हक च साडा तां हुण 7 तों 5 नहीं क्योंकि हुण ते केस वध गए ना, मैं उस संदर्भ च पुछ रहा, उस समय इन्ने केस नहीं सी। असी जे साडा उदों साथ दिंदे सारे, जे पूरा कंट्री पहले ही लॉकडाउन कर लैंदा तां शायद कंट्री अज इन्ने हालात माड़े ना हुंदे। जी ठीक है। एक होर सिद्धू साहब, जिहड़ा होम क्वारंटीन सिस्टम हैगा दिल्ली दे विच, होम क्वारंटीन सिस्टम हैगा पंजाब दे विच भी, इस चीज़ नू लैके बड़ी चर्चा हैगी कि वह मॉडल अपनाया जा सकता हैगा कि होम क्वारंटीन। पिछले दिनों दे विच HS फूलका जिहड़े, तुसीं सवाल सुन लो, पिछले दिनों दे विच HS फूलका जिन्हां दा पूरा परिवार करोना पॉजिटिव सीगा, उन्हां नू मैं इंटरव्यू कीता, उह कहिंदे कि होम क्वारंटीन सिस्टम जिहड़ा हैगा वह बेहतर हैगा। मैं जल्दी पंजाब दे सिहत मंत्रालय नू ते यूनियन हैल्थ मिनिस्ट्री नू लैटर लिखांगा कि इत्थे होम क्वारंटीन सिस्टम होना चाहिए, एक बेहतर व्यवस्था हैगी है। तो लगता कि पंजाब दे विच होम क्वारंटीन सिस्टम होना चाहिए। तुसी दो सवाल करके, एक तो तुसी हिमाचल ने कहा भी वो हर बंदे नू क्वारंटीन करते हैं तो चाहे जिहड़े मर्जी सूबे चो आया होवे, ठीक है, और असी होम क्वारंटीन तो डे वन तो साडा हैगा, लेकिन होम आइसोलेशन जिहड़ी आ उह असी आलरेडी हुण स्टार्ट कीती होई है। हुण असी बहुत सारे पेशेंटां नू उनके घर होम आइसोलेट करते हैं, जोड़े बंदे कोविड के पेशेंट ने बकायदा उन्होंने असी एक सिस्टम अज मैं हूँ ही फैल कड़ के हटिया कि बकायदा एक डॉक्टर असिस्ट करेगा कि उस इलाके जोड़े बंदे होम आइसोलेट किए हो डॉक्टर टैलीफोन पर 104 नंबर असी अपनी जी ऐप हैगी सूँ बंदा उस हैल्पलाइन पर फोन करेगा तो डॉक्टर उनके घर भी जाएगा तो डॉक्टर उन्होंने फोन पर सलाह भी देगा। ये असी आलरेडी काम अज ही करके हटिया। मैं जिहड़े पंज जिले हैगे पंजाब दे विच जिन्हां दे विच केसिस ज़्यादा हैगे है, अमृतसर, लुधियाना, जलंधर, पटियाला या SAS नगर, इन्हां दे विच की तुसीं देखिया कि की कारण रहे ने इन्हां ज़िलों दे विच करोना दे केसिस वधण दे? इन्हां दा कारण है कि जिवें मोहाली है, मोहाली दे विच दिल्ली ने बहुत साडे रोल प्ले कीता, दिल्ली तो बहुत सारी जनता पंजाब दे विच आई है और उन्होंने बहुत सारा ने घर दिल्ली वाले ने किराए ते लै लए, मोहाली दे विच आ गए, चंडीगढ़ जीतपुर च लै लए, जां पटियाले वल नूं हो गए, जां लुधियाने आ गए, जां अमृतसर चले गए, क्योंकि दिल्ली जिहड़ी एक्चुअली उहदा जिहड़ा असल मायने दे विच आपां सोचिए तो पंजाब दा ही मेजर शेयर सीगा दिल्ली दे लोक सी पहले जिहड़े पापूलेशन जिहदा हुण उत्थे बाहरली स्टेटां तों लोक आ गए, पहलां मेसिकन सारे पंजाबी लोग सीगे, उहनां दे उहदे रूट्स पंजाब दे विच हैगे ने, उहनां दा कोई ना कोई सबब हैगा, रिश्ता हैगा, तो उहनां ने इस गल उत्ते तरजीह दित्ती और उहदे नाल साडे इत्थे काफ़ी इन्फेक्शन आई है। ठीक है, एक प्राइवेट लैब्स नू लैके भी सरकार कोशिश कर रही सी कि किसी तरह उन्होंने रोकया जा सके, या प्राइवेट हॉस्पिटल नू कि वाधू बिल ना लैन, या टेस्टिंग जिहड़ी हैगी उह महंगी ना होवे, हालांकि सरकार ने रेट फिक्स कीते सीगे पर उसके बावजूद भी कई जगह तो ऐसे केसिज आ रहे सीगे, ताज़ा स्थिति की हैगी है? देखो गल हैगी है कि भी अज की रेट के मैं तो तुहाडे राही जिहड़े प्राइवेट हॉस्पिटल ने लैब्स ने उन्होंने एक जरूर अपील भी करदा है, प्लस उन्होंने एक जिम्मेवारी का एहसास भी करवाना चाहुंदा कि अज दिन पैसे कमाने का नहीं है, अज दिन एक भयानक लड़ाई या महामारी खिलाफ लड़ना है, तो जे कोई लोग ही ना रहे तो इन्हां दे हॉस्पिटल किधर रहेंगे? बिल्कुल, इस करके उन्होंने मुनाफाखोरी छड के लोगों की सेवा वाले पास आना चाहिए है। और मैं तुम्हें भी बकायदा ऑर्डिनेंस भी जारी किया, कुछ हॉस्पिटल कोऑपरेट बहुत कर रहे हैं, और उन बाकियों ने मैं तुम्हारे राही सुनेहा देना चाहना कि उन्होंने भी अगे आके समाज की सेवा करनी चाहिए। पर तुम्हें लगता सिद्धू साहब की सुनवाई नहीं हो रही क्योंकि जिस समय करफ्यू लगा सीगा पंजाब दे विच असी उस समय भी ये खबरां चलाउंदे रहे हां, तुहानू भी सवाल करदे रहे हां, ईवन असी मुख्यमंत्री दी इंटरव्यू कीती सी उन्होंने भी यह सवाल किया सीगा कि मुख्यमंत्री ने उदो कहा सी भी असी बहुत सख्ती करांगे, उसके बावजूद भी इस तरह के केसेज अज के दिन तक भी असी यही गल्लां कर रहे हैं और तुसी अजे तक भी अपील कर रहे हो, तो लगता कि किते वैस्टर्न इंटरस्ट हैगे ने या पोलिटिकल इन्फ्लुएंस हुंदा अस्पतालां दे दे नाल जुड़े लोगों का भी उही कारण हैगा कि इंस्ट्रक्शन नूं ज़्यादा गौल दे नहीं सरकार दीआं? सुनो कुछ ब्लैक सीप्स हुंदियां ने जिहड़ियां सारे समाज नूं कलंकित करदियां ने, उहनां नूं असी
देखो बंदे नूं हमेशा जिहड़ी अपनी वॉइस है जां अपनी आवाज़ आ उह इक बहुत सिंपल वे नाल रिक्वेस्ट राही करनी चाहीदी है भी उहनूं अपील ही साडा सब तों वधिया जरिया हैगा कि अपील की जाए। लेकिन जे बंदे फिर भी उस तों अगे जांदे ने तां उहदे खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। कोई इस तरह दी कोई शॉर्ट लिस्ट कर रहे हो नाम भी जिहड़े जिहड़े रेगुलर ऑफेंडर हैगे? जिहड़े सुणो जिहड़े बंदे इदां कर रहे ने साडे निगाह च तां हैगे ने जी। साडे कोल जिहड़े बंदे दी शिकायत आउंदी असीं बकायदा उहदी इनकुआरी मार्क करदे हां और समा आने उन्हां नूं इस गल दी सज़ा जरूर मिलेगी। पर लेकिन जिहड़े बंदे चंगा काम करदे उहनूं अवार्ड भी देंगे। यानी इह रडार ते हैगे आ विभाग दी? बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है, एक आखिरी मेरे एक दो सवाल है सिद्धू साहब, जिहड़ा हुण विधानसभा का सैशन शुरू होना, MLAs दे करोना टैसट करवाउण दी गल कही गई हैगी है, कदों तो शुरू हो रहा MLAs दे करोना टैसटिंग और किन्ने लोग करवा रहे ने? असीं मंडे तो स्टार्ट हो रहा जी, सारे बंदे नूं करोना पएगा, ये कंपलसरी हैगा। लेकिन कोई एक बंदा भी उत्थे इन्फेक्टेड चलेगा तो सारा इन्फेक्शन हो जाएगी, वो गलत होएगा। लेकिन ये गल जरूरी हैगी है और बकायदा कंपलसरी है, जो नहीं कराएगा वो अंदर दाखिल नहीं होएगा। एक किस तरह प्रोसैस किस तरह का सिद्धू साहब कर रहे हो, जिथे जिथे MLA रहिंदे ने उन्होंने कोल टीम्स भेज रहे हो या कितने आके आप अपने डिस्ट्रिक्ट दे विच करवाउणगे, इहदा थोड़ा विस्तार नाल थोड़ा काइंडली समझा दो। देखो हर बंदे दे डिस्ट्रिक्ट दे विच इस गल की सुविधा हैगी आ, ईवन जिहड़े साडे तहसील लैवल दे हस्पतालां दे विच वी सुविधा हैगी आ। प्लस जिहड़े चंडीगढ़ रहिंदे ने उहनां नूं मेरे नाल संपर्क कर लैणा, उहनां मैं इत्थे MLA होस्टल जां MLA पंजाब भवन करवा दूंगा जां मोहाली हॉस्पिटल करवा दूंगा। लेकिन टैस्ट कराउणा जरूरी है, टैस्ट कराउणा जरूरी हैगा, सोमवार तों टैस्ट शुरू हो रहे ने। ठीक है, आखिरी सवाल हैगा सैंपलिंग नूं लैके भी कई सारे लोग जदों गल करदे ने सवाल भेजदे ने सानूं कि जिस तरह के नाल सैंपलिंग घरों घरी हो जाती हैगी है, एक इस तरह की क्या कोई व्यवस्था हो सकती है कि जिहड़ी टैस्ट सैंपलिंग हैगी है हुण, हालांकि हॉस्पिटल दे विच सैंपल हो रहे हैं उन्हां लोकां दे ले जा रहे हैं जिहड़े हॉस्पिटल जाके सैंपल देना चाहते हैं, वो व्यवस्था दे विचों पहलां दे नालों सुधार जरूर आया हैगा, पर क्या इस तरह की व्यवस्था हो सकती हैगी है कि जिस तरह पोलियो ड्रॉप्स हुंदे ने जां घरों घरी जाके सैंपलिंग की जाती है, करोना की सैंपलिंग भी इस तरह ली जा सके, ये एसिम्टोमैटिक पेशेंट्स की जिहड़ी है डिटेक्शन है वह सौखी की जा सकती है, क्योंकि एसिम्टोमैटिक नूं ट्रेस करना अजे भी एक चैलेंज बनया होया। देखो लुधियाने असी ऑलरेडी स्टार्ट करता है काम यह, लेकिन उहदे विच बड़ी प्रॉब्लम हैगी, जिथे तक कोई सानू पॉजिटिव केस आ जाता उस एरिए असी सारी सैंपलिंग उत्थे ही करते हैं, तो जिहड़े सिम्टोमैटिक है एसिम्टोमैटिक है उत्थे ही डिसाइड कर लैंदे हां। लेकिन जिहड़ा तुसीं कहिंदे हो भी हर जगह ते असीं करियो, जिहड़ी किट हैगी आ उह पा के बड़ी हुम्मस हुंदी उहदे विच कि उह उहनां नूं जिहड़ा साडा स्टाफ पैरामेडिकल स्टाफ आ डॉक्टर ने उहनां वास्ते बड़ी दिक्कतां हुंदियां ने। लेकिन जिथे जरूरत हैगी उत्थे असीं उहदे घर वी जा के करदे हैगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्नवाद मंत्री साहब साडे नाल गलबात करन दे लई, साडे नाल समां देण दे लई। सो इसन बलबीर सिंह सिद्धू जिन्हां ने दस्सिया कि किस तरह दे नाल, हालांकि डैथ रेट नैशनल डैथ रेट के मुताबिक पंजाब दे विच ज़्यादा हैगा, पर सैंपलिंग नूं लैके वो आख रहे ने कि जिहड़ी करोना की सैंपलिंग हैगी है वो की जा रही है और ये लागू किया जा रहा है कि जेकर कोई एक व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो वो करीबी 10 व्यक्तियों के करोना टैसट किए जाएंगे। और खास गल हैगी है कि सोमवार तो 2 दिन बाद तो जिहड़े MLAs जिन्होंने विधानसभा का सैशन दे विच शामिल होना है उन्होंने करोना टैसट होने शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धू साहब साडे नाल गलबात करन दे लई। मेरे वालों सारे श्रोतियों को सत श्री अकाल, धन्यवाद। All World Open Challenge 17 time gold medalist Mia Rafiq Mohammed Pandit Maulvi Begum Tantrik inna chora thagga to savdan specialist Vashikaran satta number love marriage pati patni ch anban videsh ch pakka hona karobar da na chalna sirf 31 ghantiyan vich samadhan free Mia Rafiq Mohammed mobile 84374 94 6 84374 94 6 48। देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।